देश भर में चैत्र नवरात्रि की धूम। सीएम सुक्खू ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। मां दुर्गा से की प्रदेश की खुशहाली की कामना। चैत्र नवरात्रि और हिंदू नववर्ष का आगाज ज्वालामुखी मंदिर में लगा भक्तों का तांता। भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। शिमला में हुई चुनाव प्रकोष्ठी की संयुक्त बैठक। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिल्डन रहे मौजूद। कहा, झूठ के आधार पर वोट मांगती है कांग्रेस। चुनाव प्रचार में जुटी सभी राजनीतिक पार्टियां। राजीव भारद्वाज ने कांगड़ा से शुरू किया जनसंपर्क अभियान। लोगों में उत्साह देख संतुष्ट दिखे राजीव भारद्वाज। चुनाव से पहले कंगना रनौत ने खरीदी मर्सिडीज मेबैक। सैलून सेशन के बाद नई कार में दिखी कंगना। कार का शोरूम प्राइस है करीब 3 करोड़। सुधीर शर्मा ने प्रदेश सरकार पर जमकर साधा निशाना। कहा, लोगों को धोखा दे रही प्रदेश सरकार। कांग्रेस को जल्द आईना दिखाएगी जनता। ऊना में विधायक सतपाल सत्ती ने खोली अवैध खनन की पोल। नदी में उतरे विधायक सतपाल सत्ती। अवैध खनन के खिलाफ प्रदेश सरकार को घेरा। हिमाचल में पैराग्लाइडिंग के दौरान फिर हादसा। हादसे में महिला पायलट की मौत। एसपी शालिनी अग्निहोत्री ने दी जानकारी। लोहारा में पानी की समस्या को लेकर धरना प्रदर्शन। लोगों ने जल शक्ति विभाग को दी चेतावनी। एक हफ्ते में पानी की समस्या हल करने की मांग। धर्मशाला में नगर निगम के काम से परेशान लोग। नगर निगम कार्यालय पहुंचकर की नारेबाजी। मेयर नीनू शर्मा ने कहा, जल्द किया जाएगा समस्या का समाधान।